रवि और रजत के बीच में दरार डालने के लिए क्या करेगी आशिका? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्रैक में वो होगा जिसका फैंस को इंतजार था। सभी रजत क्लोज आएंगे, इनकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन कोई है जो कि इन दोनों को अलग करना चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये दोनों एक हों, और जब जब इन दोनों की अब नजदीकियां बढ़ेंगी तो उस इंसान को भाई होने वाली है जलन। अब वो इंसान कोई और नहीं, रजत की एक्स वाइफ आशिका है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो रहती है लेकिन उसका सारा ध्यान यहाँ रजत की जिंदगी पर रहता है। उसके दिल में गलत फहमी है कि रजत अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो अब भी उसी से प्यार करता है और इस बात के लिए वो बहुत खुश होती रहती है, खुद को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है कि मेरे पीछे सब पागल हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे रजत सभी के बीच में बढ़ने वाली है नजदीकियां, सभी को होने वाला है प्यार, लेकिन आशिका जो है वो भाई होने वाली है जेलस। अब क्या क्या होगा, किस तरह होगा, चलिए बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सभी रजत की शादी हो रही है। जैसा कि दोनों परिवारों ने ये फैसला लिया कि बच्ची सई के लिए जो है इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ सभी रजत अब धीरे धीरे क्लोज आने लगे हैं। अभी तो शादी हुई भी नहीं है, शादी की रस्में चल रही हैं, उसी में सभी रजत क्लोज आ रहे हैं। सभी रजत की फिक्र करती नजर आ रही है, रजत को देखकर हंसते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी जो है वो भी रजत के साथ बैठी हुई है पूजा में, जहाँ रजत उल्टी सीधे हरकतें करता है तो सभी को हंसी आ जाती है। इतना नहीं, जब सभी जूस पीती है तो गलती से वो जूस रजत पर पड़ जाता है, जिसके बाद सभी जो है रजत के फेस को क्लीन करती है। अभी सीन के बीच में दोनों क्लोज आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कैसे ईशा भी देखने लगती है इन दोनों को, और साथ ही भाग्यश्री भी इन दोनों की ओर देखने लगती है कि वाह ये दोनों तो क्लोज आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आशिका है जो कि रजत पर भड़की हुई है कि रजत दूसरी शादी कैसे कर सकता है। उसको इस बात का भी डर है कि कहीं सई जो है उन लोगों के पास ना चली जाए, इसलिए सई को लेकर यहाँ से आशिका जो है रजत के पास से दूर ले जाती हुई नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं सभी रजत के बीच में। आशिका जो है वो जरूर कुछ घटिया प्लान बनाएगी, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी इन दोनों की शादी, क्योंकि उसको लगता है कि रजत के लाइफ में अब भी सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं सभी रजत एक दूसरे को आगे जाकर प्यार करने वाले हैं, सारी चीज़ें होंगी। वाला आपका क्या कहना है शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर कमेंट करके दोस्तों बताइएगा ज़रूर। इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को भी फॉलो करें।